अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। यार आज जो है ना, मैं कोरिया के अंदर अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ और आप लोगों को आज मैं दिखाता हूँ कि कोरिया के अंदर जो शादी है वो कैसे होती है। पाकिस्तानियों से वाकई बहुत डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ स्टाइल की होती है और यहाँ के अंदर जो है ना, एक घंटे के अंदर सारी शादी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। और मैं जिस फ्रेंड की आज शादी है वो बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है मेरी। तो चलें पहले जाता हूँ शादी हॉल में, क्योंकि मैं पहले भी लेट हो गया हूँ। तो गाइस जो शादी है ना, वो है उस वाली बिल्डिंग के ऊपर जो आपको लोटे फीडिंग नज़र आ रहा है, उस वाली बिल्डिंग पे शादी है। तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ जो मैरिज हॉल है वहाँ पे, और अभी आप लोगों को पूरी सेरेमनी भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे जो है ना शादी वगैरह लोग करते हैं कोरियन जो है ना। मेरे फ्रेंड माशाल्लाह अभी स्टेज पे है, मैं लेट हो गया था, पहले मैं पिक्चर नहीं ले सका। अभी स्टेज पर जाकर उनके साथ पिक्चर वगैरह लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यार कि इनकी मैरिज सिंपल होती है, बहुत एक घंटे के अंदर मैक्सिमम खत्म हो जाती है। खाना शाना खा के लोग अपने घरों में अंदर। तो ज़्यादा यार हम लोग जो कर्जों में डूबे जाते हैं ना पाकिस्तानी स्टाइल में, उस तरह की नहीं होती यहाँ पे। चलें यार अंदर जाते हैं और अंदर जाके हम पिक्चर ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमारा होता है इमाम मस्जिद जो निकावर पड़ता है, उसी तरह इनका चर्च का कोई था वो जो है ना निकावर पड़ा था। यहाँ पे जो दूल्हा है उसके जो अब्बू है ना, वो यहाँ पे गाना गा रहे हैं यार, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। और बहुत अच्छा सीन था कि दूल्हे के अब्बू यहाँ पे आके स्टेज पे आके गाना गा रहे हैं। ये वाले जो हैं, ये हैं दुल्हन के जो दोस्त हैं, वो यहाँ पे स्टेज पे आके थोड़े से गाना वगैरह गा रहे हैं। तो गाइस जो सेरेमनी का सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये वाला है, जो अनाउंसर है ना वो दूल्हे को कह रहा है कि आप पुशअप करो। और शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा कहने जाने वाले तीन सेंटेंसेस हैं, लाइक आई लव यू, आई एम सॉरी और थैंक यू, ये अपनी दुल्हन को कहो। और वो साथ कहते कहते पुशअप करने हैं साथ में। तो यार बहुत ही मज़े का, बहुत ही फनी सीन था। आप लोग पूरा ये सीन देखो, और ये बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि शादी के बाद डेफिनेटली लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि दुल्हे को आप ये प्रैक्टिस करो पहले, तो दूल्हा भी पुशअप करेगा।여러분 지금 사진 찍으셔야 돼요. 저 팔 부들부들 되는 거를 지금 찍으셔야 됩니다. 자, 둘! 자, 다시 한번 멋진 체력을 보여주신 신랑에게 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. तो गैस यहाँ पे अगेन जो है दुल्हन है, उसके अगेन बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो सारे स्टेज पे आके गाना वगैरह गा रहे थे। अगेन दैट वाज अमेजिंग यार, बहुत नाइस और रोमांटिक लम्हा था। अभी जो दूल्हा और दुल्हन वो जो है ना वॉक करेंगे और सारे लोग खड़े होकर तालियां वगैरह बजाएंगे उनके लिए। तो गैस जो है वीडियो को देखते रहो, क्योंकि आगे किसिंग सीन भी आने वाला है। और यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे देख के जो है ना, शी वाज लाइक वाओ माँ जी। और यहाँ रुकने के बाद जो है ना, सारे लोग शुरू हो गए थे कि किस करो किस करो, कोरियन में किस है किस है, अभी वो करेंगे थे। 1 2 3 यार खैर, वैसे ये लोंडा तो बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पे आके जो है मैं भी पिघल गया। और आई वाज लाइक के यार कर लेनी चाहिए शादी अभी। तो जितने भी गेस्ट आते हैं उन सबको ये जो है ना खाना खाने के लिए एक कार्ड मिलता है, और कार्ड दे के आप जो है ना वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो भी खाने में बुफे है, और अभी आवाज़ आने लगी है कि रोटी खुल गई है, खाना खा लो। तो यार खानों में इन्होंने सुशी वगैरह काफ़ी ज़्यादा दी हुई थी, जो फिश के होते हैं, राइस के टाइप की चीज़ें। उसके अलावा सैलड काफ़ी ज़्यादा था, गाजरें थी, नूडल्स वगैरह टाइप की, मछली है फॉर एग्जांपल, और अगेन सैलड आ गया। उसके अलावा जो है क्या नाम है, यहाँ पर आप देखो बनाना, आलमंड्स हैं, साथ में गोश्त हैं जो कि आई गो मैं नहीं खाता। अगेन किमची आ गई, स्पाइसी ऑक्टोपस, फिर साथ में सैलड, नूडल्स हैं, फिर अगेन सुशी आप लोग देखो। तो एक्चुअली इसके अलावा गोश्त वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, लाइक चिकन का राइस वगैरह थे। ये वाली सुशी है, अगेन सुशी। लेकिन वैसे ऑनेस्टली आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई खाने का मज़ा तो पाकिस्तानी शादियों पे ही होता है यार। बिरयानी हो गई, चिकन मसाला, टिक्का कड़ा, ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत मिस किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन शादी माशाल्लाह जो है ना ख़त्म हो गई है यार, बहुत ही प्यारी, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शादी थी। लाइक
मुझे बहुत ही ना लाइक मैं सोच रहा था मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही रोमांटिक किस्म के सीन थे। तो बहुत अच्छा लगा यार कोरियन की शादी अटेंड करने में, और यार मैं तो यही चाहता हूँ कि होना यही चाहिए, हम लोगों को भी जो है ना अपनी शादियाँ आसान करनी चाहिए यार। हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं शादियों के ऊपर, अपने जो है ना सारा कुछ लगा देते हैं, कर्ज़ों में डूब जाते हैं सिर्फ शादी करने के लिए। लेकिन कोरिया के अंदर यार इतनी सिंपल, एक दो घंटे के अंदर शादी हुई, कुछ लोगों को बुलाया, करीबी रिलेटिव्स को बुलाया और चलो भैया अल्लाह खैर सलाह। नेक्स्ट डे जो है ना वो अपने जो सारा पैसा होता है वो करते हैं हनीमून के ऊपर स्पेंड। अब मेरी जो फ्रेंड है ना ये जा रही है भाई उधर क्या नाम है बाली, बाली के अंदर जाके हनीमून स्पेंड करेगी। तो ये जितने भी उसके उनके जो क्या नाम है खर्चे वगैरह होने थे जो कर्ज़ों में डूबना था उन्होंने, वो सारी मनी जो है ना ये अपने ऊपर स्पेंड करेंगे और ट्रैवल वगैरह करेंगे। तो खैर इसलिए हम लोगों को भी शादियाँ मेरे ख्याल में आसान करनी चाहिए, इस तरह के मेहंदी रिवाज वगैरह जो ना इतने जो दूसरे कल्चर से हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो खैर यार बताइएगा आप लोगों को कैसी शादी लगेगी, शादी करना चाहोगे, शादी करना चाहोगे तो किस टाइप की आप लोग शादी करना चाहोगे, लाइक पैसा ज़्यादा स्पेंड करना चाहोगे या सिंपल कोरियन टाइप की जो है ना शादी करना चाहोगे, तो लाजमी बताओ मुझे, कमेंट करो वीडियो के नीचे। और उसके अलावा क्या नाम है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोगों को मैं कोरिया की लाइफस्टाइल के बारे में और दूसरे कंट्रीज़ के लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, तो लाजमी कमेंट करो गाइस। चलें अल्लाह हाफिज़।